पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी दो वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है, और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। साथियों, एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए, पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।